भारत के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूही परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर आम्बेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेच और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवत गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत, हिंदू राज। छुओ मत, हिंदू राज। अम्बेडकर, अम्बेडकर। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा नहीं मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था, लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। देश के पहले लोकसभा चुनाव में कुल 23 महिला सांसद चुनकर आई थी। नेहरू ने इन महिला सांसदों से हिंदू कोड बिल के समर्थन की अपील की। विरोध की धार कुंद करने के लिए नेहरू ने इस बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया। तब नए कानून मंत्री H.V. पाटस्कर ने इन बिलों को संसद में पेश किया। 1955 से 1956 के बीच 4 अलग अलग कानून बने जो पहले हिंदू कोड बिल का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से प्रमुख था 1955 में बना हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत पहली बार तलाक को कानूनी दर्जा मिला। अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार मिला और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी लागू हुए। ये सभी कानून किसी न किसी रूप में महिलाओं के हक में थे, समाज में उनकी स्थिति सुधारने वाले थे। इनके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला, लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। जब ये कानून बन रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा में थे और सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, लेकिन इससे उनका योगदान कम नहीं होता। आज देश उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर जानता है, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर जानता है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाले इन अहम कानूनों की नींव भी अंबेडकर ने ही डाली थी। बतौर कानून मंत्री वो महिलाओं के हक के लिए लड़े थे। ये कानून हिंदुओं के अलावा सिखों, बौद्धों और जैन धर्म मानने वालों के लिए भी मान्य थे।